नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, दिस इज ओपी गुप्ता। एंड बिफोर आई प्रोसीड फर्दर विद द टॉपिक ऑफ द सेशन, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू बी अटेंटिव ड्यूरिंग द सेशन। आप लोगों के पास कुछ क्वेरीज भी होंगी, आई विल बी बाइलिंगुअल, आई विल टॉक इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, नॉर्मली जैसे हम लोग बात करते हैं। सो आपके पास कुछ क्वेरीज भी होंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखना। आपकी क्वेरीज हो सकता है आपके पूछने से पहले ही मैं आंसर कर चुका होऊंगा। इन केस इफ देयर आर स्टिल सम क्वेरीज दैट यू वुड लाइक टू आस्क मी, यू कैन इंटरेक्ट विद मी बाय द एंड ऑफ द सेशन। बिफोर आई प्रोसीड द सेशन फर्दर, आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई थैंक्स टू अशिता मेहता मैम एंड टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स प्रेजेंट हियर इन दिस सेशन फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू होस्ट योर सेशन ऑफ द केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस फॉर क्लास 12th in mathematics, a session with OP Gupta, your math mentor and author. So, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ केस स्टडी क्वेश्चंस के हिस्ट्री के बारे में और इसमें मेरा क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। लास्ट ईयर मींस लास्ट एकेडमिक सेशन 2020-21, जिन बच्चों का एग्जाम ही कंडक्ट नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कोविड प्रॉब्लम्स, तो उन बच्चों का जब सैंपल क्वेश्चन पेपर CBSE ने इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020 रिलीज किया था, तो वहां पर एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज था सभी के लिए, केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस। अब वो केस स्टडी टाइप जो क्वेश्चंस थे, उस टाइप के क्वेश्चंस किसी भी उस समय तक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन किसी भी रेफरेंस बुक में अवेलेबल नहीं थे। हम NCERT की बात करें, NCERT एग्जाम्पलर की बात करें, या फिर किसी भी प्राइवेट पब्लिशर की बुक की बात करें, कहीं पर भी केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन कहीं भी अवेलेबल नहीं था। मतलब बिल्कुल सरप्राइजिंग एलिमेंट था सभी के लिए। गूगल करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए, कुछ भी उस समय तक तो नहीं मिल रहा था। द सेम डे व्हेन CBSE रिलीज द सैम्पल क्वेश्चन पेपर, मैंने वहां पर दिए हुए दो केस स्टडी क्वेश्चंस के बेसिस पे मैंने भी दो केस स्टडी क्वेश्चंस बनाए, ऑलमोस्ट सिमिलर बट डिफरेंट केस स्टडी क्वेश्चंस बनाए। उसका PDF वॉज शेयर्ड इन वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, इन टेलीग्राम एंड ऑन माई यूट्यूब चैनल ऑल्सो। अच्छा, तो उस लिंक पर जो मैंने लिंक शेयर किया था, केस स्टडी क्वेश्चन का PDF बनाया, उसको वेबसाइट पर अपलोड करके लिंक भी शेयर किया, PDF भी शेयर किया, जो भी लिंक था उस लिंक पर क्लिक करके अभी तक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन का वो सिर्फ दो क्वेश्चन वाला जो फाइल है अभी तक सर्कुलेशन में रहता है। और आप नीचे मेरे ख्याल में स्टेट्स देख रहे होंगे, अराउंड 12,000 क्लिक्स सिर्फ लिंक के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड किया जा चुका है उस पर्टिकुलर PDF को, जहां सिर्फ दो केस स्टडी क्वेश्चन थे, एंड इट वाज अराउंड 10th अक्टूबर 2020। फिर लगभग एक महीने के पीरियड में मैंने अराउंड 40 क्वेश्चंस मैंने केस स्टडी के और बनाए दिवाली से पहले, पिछले साल की दिवाली से पहले, और उसको ई-बुक में हम लोगों ने शेयर किया था, मैंने शेयर किया था इन वेरियस ग्रुप्स ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो ये तो छोटा सा केस स्टडी का हिस्ट्री है और मेरा उसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहा है अभी तक। बहुत ही आसान चीज है लेकिन पता नहीं क्यों चैलेंजिंग बन जाता है। केस स्टडी रियल लाइफ बेस्ड सिचुएशन को एक्चुअली एनालाइज करता है, मैथमेटिकल कंसेप्ट जो हम सीखते हैं उसकी हेल्प से। अच्छा, मेरा कंट्रीब्यूशन इसके अलावा भी रहा है केस स्टडी में। सबसे पहली बात तो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन होता है, तो उनका प्रैक्टिस सैंपल पेपर में भी मेरे केस स्टडी यूज हुए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, CBSE ने अपना खुद केस स्टडी क्वेश्चन बैंक रिलीज किया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2021, जहां लगभग 40-45 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 7-8 क्वेश्चंस तो मेरे कंट्रीब्यूशन से बने हुए थे। तो ये छोटा सा मतलब केस स्टडी के बारे में हिस्ट्री और मेरा उसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। एंड आई एम रियली हैप्पी टू शेयर विद यू कि मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मेरा कोई भी कंट्रीब्यूशन से किसी भी स्टूडेंट का हेल्प होता है। सो नाउ मूविंग फर्दर, यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मेट ऑफ सैंपल क्वेश्चन पेपर जो CBSE ने आप लोगों के लिए रिलीज किया है, ऑन ए फनी नोट बट ऑन ए सीरियस नोट ऑल्सो, लास्ट ईयर मीन्स 2020-21 एकेडमिक सेशन में एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ कोविड प्रॉब्लम। तो लास्ट ईयर के बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ और आप लोगों को कितनी बार एग्जाम देना पड़ेगा, आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट दैट। टू टाइम्स एग्जाम, सो मतलब वही थोड़ा सा इसके ऊपर, क्या पता आपने कोई मीम भी देखा हो या बनाया हो, पिछले साल का एक भी एग्जाम नहीं हुआ तो मतलब वो जीरो। अच्छा, इस बार का एक एग्जाम होना चाहिए था लेकिन पिछले वाले बच्चों का भी एग्जाम आपको देना है, तो इस बार दो बार बोर्ड एग्जाम्स होंगे, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकेंड। टर्म फर्स्ट का सैंपल क्वेश्चन पेपर CBSE ऑलरेडी रिलीज कर चुकी है, टेंटेटिवली
जो सीबीएसई ने डेट्स बताई हैं, इनफैक्ट मंथ बताया है. सो द टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन इज सपोज टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर टू दिसंबर 2021. ये तो मतलब टर्म फर्स्ट के लिए सीबीएसई ने जो भी कहा है टेंटेटिवली. मंथ बताया, अभी तक डेटशीट तो आया नहीं है, लेकिन डेटशीट जल्दी ही आ जाएगा उम्मीद है. तो सैंपल क्वेश्चन पेपर विच वॉज रिलीज ऑन 2 सितंबर 2021, मतलब लगभग एक महीने पहले सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज हुआ, जहां पर हमें पेपर का पूरा फॉर्मेट पता चल जाता है. तो जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे, वी हैव सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. एमसीक्यू टाइप का पूरा पेपर होगा, 1.5 आवर्स यानी 90 मिनट्स ड्यूरेशन का पेपर होगा, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे. सेक्शन ए में 20, सेक्शन बी विल हैव 20 एंड सेक्शन सी विल हैव 10 क्वेश्चंस. इनफैक्ट वी हैव टू अटेम्प्ट 16 एंड 16 फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी. एनी 16 क्वेश्चंस कैन बी अटेम्प्टेड इन एनी सीक्वेंस. लाइक सेक्शन ए में क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 20 तक है, सो वी कैन अटेम्प्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 1 टू 15 इन सीक्वेंस इफ वी विश, इफ वी आर कंफर्टेबल, एंड देन वी कैन अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 19. एज सच टोटल 16 क्वेश्चन करने हैं. इन एनी सीक्वेंस यू कैन attempt any 16 question from section A and similarly in section B. In section C, we have been given one case study and 5 straight MCQ type questions. In fact, case study is also MCQ type. अच्छा, वहां पर आप देखिए क्या है case study में, इसके बारे में हम detail में बात भी करेंगे. तो मैं अगर section C की बात करूं, तो यहां पर मुझे 5 case study questions मिलते हैं and 5 MCQs मिलते हैं. ठीक है, तो वी हैव टू अटेम्प्ट एनी 8 आउट ऑफ दीज 10 क्वेश्चंस, या फिर वो 5 के 5 केस स्टडी सॉल्व कर ले, तो फिर 3 उसको एमसीक्यू सॉल्व करना है. अगर आपके पास टाइम ही टाइम है तो आप 10 के 10 एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, या फिर तुक्का मार सकते हैं. यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, तुक्का तो बिल्कुल नहीं मारना है. मैंने यहाँ पर इटैलिक्स में कुछ लिखा भी हुआ है, अवॉइड गैसिंग वर्क, तुक्काबाजी नहीं करनी है. एवरी क्वेश्चन विल हैव 1 मार्क, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगा, मतलब आप अपने लक को आजमा सकते हैं, बट लक के ऊपर तो वही भरोसा करते हैं जिनको अपने काबिलियत पे, अपनी कैपेबिलिटी पे भरोसा नहीं होता है. आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे एंड वी स्टिल हैव अराउंड 1 month टाइम. 10th नवंबर के अराउंड अगर हमारा एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो लगभग 1 महीने का टाइम है, एंड वी स्टिल हैव टाइम टू यू नो अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने का. ठीक है, ये पूरा मेरे ख्याल में सबको पता भी होगा, जिनको नहीं पता है मैंने ब्रीफ कर दिया थोड़ा बहुत. शुड आई मूव अहेड किड्स? यस सर, यस सर, यस सर. ओके, सो मूविंग फर्दर, ये आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर का बाइफर्केशन है, मतलब जो लास्ट मंथ यानी 2 सितंबर को सीबीएसई ने रिलीज किया था उसी का बाइफर्केशन है. यूनिट फर्स्ट, जिसमें आपके चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑफ एनसीईआरटी आर कवर्ड, लाइक रिलेशंस एंड फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये यूनिट 1 में आता है. फिर यूनिट 2 अल्जेब्रा, चैप्टर 3 मैट्रिसेस, चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स, फिर यूनिट 3 कैलकुलस, ऑल्दो इट इज वेरी लेंथी, लेकिन हमारे टर्म फर्स्ट में ओनली 2 चैप्टर्स विल बी देयर, चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ, कंप्लीट माय डायलॉग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, राइट. तो पूरा आपका फर्स्ट बुक जो है, पार्ट फर्स्ट ऑफ योर एनसीईआरटी इज इन द फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन. अच्छा, इसके बाद सेकंड बुक में आपका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज आल्सो देयर इन द सिलेबस ऑफ टर्म फर्स्ट. अच्छा, तो यहां पर एवरी सेक्शन ऑफ सैंपल क्वेश्चन पेपर हैड हाउ मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम विच एवर यूनिट, तो उसका मैंने यहां बाइफर्केशन दिया है, लेकिन एग्जैक्ट यही क्राइटेरिया होगा आपके एनुअल एग्जाम में, ऐसा नहीं बोला जाता. क्या बोलता है सीबीएसई कि यूनिट वाइज वेटेज विल रिमेन द सेम, चैप्टर वाइज वेटेज में वेरी. इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की बात करूं, तो अगर आप सीबीएसई एकेडमिक वेबसाइट पर देखते हैं तो वहां पर यूनिट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो वेटेज है वो ओनली 5 मार्क्स का है. तो अभी इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एनुअल पेपर हो, या जैसे अभी मैं सैंपल क्वेश्चन पेपर की बात करूं, तो यहां पर इन्होंने सिर्फ 5 क्वेश्चंस ही दिए हैं एलपीपी के. जैसे कि आप देख रहे हैं, 1 इज इन सेक्शन ए, 2 इज इन सेक्शन बी एंड 2 क्वेश्चंस आर देयर इन सेक्शन सी. तो 2+2+1 यानी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम एलपीपी आर देयर, और इस चैप्टर का कंप्लीट वेटेज भी 5 मार्क्स का ही है. सो व्हाट वी मे एक्सपेक्ट, जो आपका एनुअल एग्जाम होगा, व्हाट वी मे एक्सपेक्ट कि वहां पर
जो क्वेश्चंस हो वो किस तरीके से हो। तो वहां पर जो क्वेश्चंस हो वो हो सकता है इस तरीके से उन्होंने दे दिया हो कि भाई 6 क्वेश्चन दे दें, टोटल 6 क्वेश्चन दे दें। मतलब मेरा ये है कि अगर आप मैट्राइसिस डिटर्मिनेंट यानी यूनिट सेकंड की बात करें, उसका वेटेज क्या है, उसका वेटेज क्या है और उसमें टोटल कितने क्वेश्चन दिए गए हैं हमारे सैंपल क्वेश्चन पेपर में। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं टोटल 14 क्वेश्चन आर देयर फ्रॉम यूनिट सेकंड, लेकिन एलजेब्रा यानी चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 कंबाइंड उनका वेटेज क्या है अगर किसी को पता है तो। ओके, सो दिस इज होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू। तो वेटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है एक्चुअली, और इसलिए तो यहाँ पर हमें ओवरऑल चॉइस दी गई है। ओवरऑल चॉइस का मतलब सेक्शन वाइज चॉइस है। पहले क्या होता था ना, किसी भी क्वेश्चन पे सपोज एट सीरियल नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 पे हमें 2 क्वेश्चन दिए होते थे, बीच में और लिखा होता था, तो वो इंटरनल चॉइस होता था। अभी ओवरऑल चॉइस है, किसी भी सेक्शन में से आप एनी 16 और फिर एनी 8 क्वेश्चन आपको करने हैं सेक्शन ए बी सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है बच्चों, एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, सो आई थिंक द मोस्ट अवेटेड पोर्शन ऑफ द सेशन टुडे दैट इज केस स्टडी टाइप क्वेश्चन। सो एक्चुअली इट बिगिंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 46 एंड इट एंड्स एट क्वेश्चन नंबर 50। तो एज सच आप देख सकते हैं 5 केस स्टडी क्वेश्चंस आर देयर। ठीक है, और ये कहां से है? दिस इज फ्रॉम चैप्टर 6 एंड टॉपिक इज यस सर। फाइन, तो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है वो कौन से टॉपिक में से आ सकता है एनुअल एग्जाम में। अब ऐसा तो 5 क्वेश्चन होने हैं केस स्टडी के, किसी भी टॉपिक में से हो सकता है, रिलेशन एंड फंक्शन में से भी हो सकता है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में से भी हो सकता है, सैंपल क्वेश्चन पेपर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मैक्सिमम मिनिमम टॉपिक पिकअप किया गया है। आई डू नॉट थिंक कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में से केस स्टडी आएगा क्योंकि उसके लिए वर्ड प्रॉब्लम होगी और फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी इज नॉट इन द सिलेबस। ऑल्दो वो खुद अपने आप फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी करके आपके लिए सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं और केस स्टडी फ्रॉम एलपीपी भी दे सकते हैं। व्हाट डू आई मीन? आई हैव रिटन सैंपल क्वेश्चन पेपर बुक ऑलरेडी फॉर क्लास 12th इन विच आई हैव इनकॉर्पोरेटेड क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 12.2 ऑल्सो। किस तरीके से वो दिया गया है, जिस तरीके से भी मैंने प्रेजेंट किया है, उस तरीके से वो क्वेश्चन, वो टॉपिक, वो एक्सरसाइज आपके सिलेबस में आ जाता है। हम यहाँ केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं, हमें टोटल 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। जनरली 5 क्वेश्चन में से कोई से 4 करने होते थे, ये लास्ट एकेडमिक सेशन की बात है। आप लोग कंप्लीट 5 भी कर सकते हैं, 5 में से 4 कर सकते हैं, 5 में से 3 भी कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन सी मैं ब्रीफ कर चुका हूँ, सेक्शन सी में टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपके 5 MCQs होंगे एंड 5 केस स्टडीज होंगे और आपको अटेम्प्ट करने होंगे एनी 8 क्वेश्चंस। सो इन एनी फॉर्मेट आप किसी भी कॉम्बिनेशन में 8 क्वेश्चंस बना लो, आप यहां से केस स्टडी 3 कर लो, 5 वहां से एमसीक्यू कर लो, स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यू या 4 and 4 फ्रॉम ईच, है ना? एम आई क्लियर टू एवरी वन? यस सर। यस सर। ओके ओके, मूविंग फर्दर, तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। दिस इज वन ब्यूटीफुल एग्जाम्पल एंड इट्स टेकन फ्रॉम सीबीएसई क्वेश्चन बैंक विच वॉज रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल दिस ईयर। तो पढ़ते हैं जरा, इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अ जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा इज अ गिगनेटिक एक्सरसाइज, अबाउट 911 million पीपल वर एलिजिबल टू वोट एंड वोटर टर्न आउट वॉज अबाउट दिस मच परसेंट द हाइएस्ट एवर। Let I be the set of all citizens of India who were eligible to exercise their voting right in general election held in 2019. A relation R is defined on I as follow. Dhyan rakhna, R is defined on set I, where set I means the set of all citizens of India who were eligible to exercise their voting right. जो एलिजिबल थे वोटिंग करने के, उनका सेट जब हमने बनाया तो सेट को आई बोला, उस सेट के ऊपर हमने रिलेशन डिफाइन किया। यहां पर रिलेशन का आपको वैल्यू दिख रहा होगा, रिलेशन इज गिवन एज v1, v2 सच दैट v1 and v2 बोथ बिलोंग टू द सेट आई एंड बोथ यूज देयर वोटिंग राइट इन द जनरल इलेक्शन 2019। यानी रिलेशन के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर आएगा, उस ऑर्डर्ड पेयर के दोनों ही कंपोनेंट जो होंगे वो सेट आई से तो बिलोंग करेंगे ही, लेकिन वो दोनों कंपोनेंट्स बेसिकली सिटीजंस ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड दे आर गोइंग टू यूज देयर वोटिंग राइट। लेकिन सेट आई किन लोगों का सेट है बेटा? उन लोगों का सेट है जिनको वोटिंग करने का राइट है,
ठीक है, सेट आई उन लोगों का सेट नहीं है जो वोट करते हैं. आर यू गेटिंग माय स्टेटमेंट हियर? ठीक है, yes, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है क्योंकि यहां पर एक क्वेश्चन आएगा जिसका आंसर करने में ये हेल्प करेगा. ध्यान रखना कि आई सेट में वो लोग हैं जिनको वोटिंग करने का राइट है, लेकिन रिलेशन में, रिलेशन आर में उन लोगों का आपस में रिलेशन होगा v1, v2 जो वोट करके आएंगे. दोनों बातों में डिफरेंस है, ये ध्यान रखना. ठीक है, जिनको वोटिंग का राइट है वो तो वोट करने जा सकते हैं, क्लियर सी बात है. तो यहाँ आर में v1, v2 में v1 और v2 का मतलब क्या है, ध्यान रखना कि दे हैव गोन टू वोट एक्चुअली. ठीक है, अब यहां पर हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है इसको यूज करते हुए कुछ क्वेश्चन हैं, सॉल्व करते हैं जरा. फर्स्ट क्वेश्चन, टू फ्रेंड्स एक्स एंड वाई दे बिलोंग टू सेट आई, दैट मींस एक्स एंड वाई बोथ हैव वोटिंग राइट. अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि ये वोट देने जाएंगे कि नहीं जाएंगे. अगर एक्स कोमा वाई ऑडिट पेयर रिलेशन में होगा तो ये दोनों वोट देने भी गए हैं. आर यू गेटिंग मी? अभी जितना मैंने स्टेटमेंट रीड किया ना, टू फ्रेंड्स एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आई, इसका मतलब है एक्स एंड वाई हैव वोटिंग राइट. आगे पढ़ते हैं, एक्स एंड वाई बोथ एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट इन द जनरल इलेक्शन 2019, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर एक्स और वाई दोनों अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज कर लेंगे तो फिर इनका जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ये रिलेशन में होगा. एम आई क्लियर? एक्स एंड वाई ये सेट आई में है, लेकिन इतना लिखने से हमें बस ये पता चला कि दोनों के पास वोटिंग राइट है. लेकिन जब मैंने ये लिखा तो मुझे पता चल गया कि दोनों के पास वोटिंग राइट तो है, लेकिन वो वोट देकर भी आए हैं. दे हैव कास्टेड देयर वोट. एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर. यस सर. कौन से वाला ऑप्शन सही होगा? वैसे तो मैंने लिखी दिया है, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ए ऑप्शन. ये सीबीएसई का क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है और एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा आप काफी स्ट्रेंज चीज देखने वाले हैं. चलते हैं सेकंड पार्ट में, यहाँ पर देखना क्या होगा. मिस्टर एक्स एंड हिज वाइफ डब्ल्यू बोथ एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट. अब देखो दोनों वोट करके आए हैं, मतलब इन दोनों से जो ऑर्डर्ड पेयर बन सकता है एक्स कोमा डब्ल्यू या डब्ल्यू कोमा एक्स, वो रिलेशन में होगा या नहीं होगा? आई एम आस्किंग टू यू. मैं क्वेश्चन भी समझा रहा हूं तुम्हें, सॉल्यूशन तो बाद में डिस्कशन में आ रहा है. राइट okay. तो अब इसने पूछा है कि विच ऑफ द, क्योंकि देखो दोनों ने अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज कर लिया है तो फिर इनका जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो रिलेशन में पक्का होगा. एंड ऑफ कोर्स दे हैव टू बिलोंग टू द सेट आई, वो तो क्लियर है. ठीक है ना, जब वोट देने जाएंगे तो वोटिंग की एलिजिबिलिटी भी उनके पास होगी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ट्रू है इसमें? बोथ एक्स कोमा डब्ल्यू एंड डब्ल्यू कोमा एक्स बिलोंग टू आर. मुझे यही ठीक लग रहा है क्योंकि अगर मैं यहां पर देखता हूं ऑप्शन बी में, तो यहां पर देखो x, w का मतलब x एंड w दोनों ने वोट किया तभी तो रिलेशन में है, लेकिन w, x does not belong to r, इसका मतलब दोनों में से कोई एक या दोनों ही वोट देने नहीं गए. लेकिन भाई ये तो ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है सबसे इनिशियली क्वेश्चन में, ये स्टेटमेंट इसको वॉयलेट कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी तो सही नहीं हो सकता. सिमिलरली ऑप्शन सी को हम रूल आउट कर देंगे यहां पर डज नॉट बिलोंग की वजह से, एंड सिमिलरली यहां पर भी, तो ऑप्शन डी विल ऑल्सो बी रूल्ड आउट. तो ऑप्शन ए ही सही होगा. एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर. अभी थर्ड पार्ट को देखते हैं, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन. यहां पर वी हैव थ्री ब्रदर्स b1 b2 एंड b3, दे एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट इन द जनरल इलेक्शन 2019, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. अब सुनना ध्यान से, अगर ये तीनों वोट करके आए हैं तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो रिलेशन में होगा. b1 कोमा b2 बोल दो ऑर्डर्ड पेयर, या b2 कोमा b3 बोल दो, या b3 कोमा b1 बोल दो, जो भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे वो रिलेशन में प्रेजेंट होगा. एम आई क्लियर? यस सर. तो यहां पर अगर मैं देखता हूं, यानी ये देखो ऑप्शन बी में डज नॉट बिलोंग टू आ गया, ऑप्शन सी में डज नॉट बिलोंग टू आ गया, ऑप्शन डी में भी डज नॉट बिलोंग टू आ गया, इनफैक्ट यहां पर भी डज नॉट बिलोंग टू, यहां पर भी डज नॉट बिलोंग टू. और जैसे कि मैंने कहा कि जब ये तीनों ही वोटिंग राइट, अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज करके आए हैं तो जो भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो रिलेशन में पक्का होगा. तो ऑप्शन ए में ये पॉसिबिलिटी है, यानी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर दिस ऑल्सो. एग्री? यस सर. ठीक है, आगे चलें. यस सर. ओके, अब फोर्थ पार्ट में देखते हैं. मिस्टर घनश्याम एक्सरसाइज हिज वोटिंग राइट इन द जनरल इलेक्शन. He is related to which of the following? Okay.
सो नाउ वी हैव दिस फोर्थ पार्ट. तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, मिस्टर घनश्याम एक्सरसाइज्ड हिज वोटिंग राइट इन द जनरल इलेक्शन, देन ही इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. अब सुनना ध्यान से, ये जो मिस्टर घनश्याम है, सो ये जो मिस्टर घनश्याम है, तो ये आपके रिलेशन में प्रेजेंट होगा विद होम, मतलब किसके साथ प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसने अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज कर लिया है. तो घनश्याम कोमा, अब यहां पर क्या आएगा, यहां पर जो भी आएगा एक्चुअली उसने भी अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज किया होगा. एम आई क्लियर? Yes, sir. तो अभी यहां पढ़ते हैं ऑप्शंस को. ऑल दोज एलिजिबल वोटर्स हु कास्ट देयर वोट्स. देखो अगर वोटिंग का एलिजिबिलिटी है तो आप जाके वोट करके आ सकते हैं. नाउ डेट इज कम्प्लीटली डिफरेंट कि आपने वोट किया है. तो जो लोग वोट करेंगे वो घनश्याम के साथ एक ऑर्डर्ड पेयर बना के रिलेशन में हो सकते हैं. एम आई क्लियर? यस सर. ऑप्शन ए सीम्स टू बी करेक्ट टू मी, ऑल्दो मैं बाकी पार्ट्स को भी एक्सप्लेन करूंगा, बाकी ऑप्शंस को भी. बाकी ऑप्शंस में बोल रहा है कि फैमिली मेंबर्स ऑफ मिस्टर घनश्याम. अब हो सकता है घनश्याम की फैमिली में कुछ ऐसे भी लोग हों, छोटे बच्चे हों, जिनको वोटिंग राइट ऑफ कोर्स नहीं होगा. तो वो घनश्याम कोमा, यहाँ पर कोई भी एक उनके घर का एक फैमिली मेंबर हो, छोटा बच्चा, वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो सकता एज द सेकंड कंपोनेंट ऑफ दिस ऑर्डर्ड पेयर. एंड देन फाइनली दिस ऑर्डर्ड पेयर मे नॉट बी बिलोंगिंग टू द रिलेशन आर. तो देयरफॉर ऑप्शन बी सही नहीं होगा. एम आई क्लियर? यस सर. सिमिलरली ऑल सिटीजंस ऑफ इंडिया बोलो, ये भी इसी लॉजिक से हम रूल आउट कर देंगे. एंड एलिजिबल वोटर्स ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने बिगिनिंग में कहा, अगर आपको वोटिंग करने का राइट है, इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट कि आपने वोट जाके किया है ना. मुझे वोटिंग का राइट है, मैं वोट करने ही नहीं गया, तो फिर यहाँ पर घनश्याम कोमा सेकंड कंपोनेंट में मेरा नाम नहीं आ सकता वहां पे, क्योंकि मैं वोट करने नहीं गया, इवन इफ आई हैव द वोटिंग राइट. आर यू क्लियर अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डी पार्ट, डी ऑप्शन ऑफ फोर्थ क्वेश्चन? यस सर. ऑप्शन ए इज करेक्ट. अब मैं ये कह रहा था कि इस क्वेश्चन में एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है, हर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए आता जाएगा. जरा फिफ्थ पार्ट को देखते हैं यहाँ पर क्या होगा. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर सीबीएसई का अगर आप आंसर की देखेंगे जो उनके क्वेश्चन बैंक में है, उन्होंने ऑप्शन सी को मार्क किया हुआ है. और इसलिए मैंने आपको बिगिनिंग में ही और हर क्वेश्चन के साथ साथ ये बताया है कि रिलेशन में कौन से लोग होंगे, रिलेशन में कौन से लोग एक दूसरे से रिलेट होंगे. और सेट आई में कौन से लोग थे, सेट आई में वो लोग थे जो कि वोटिंग राइट रखते हैं, वोट करने का राइट रखते हैं. जबकि उन्हीं में से कुछ लोगों को उठाकर अगर हम देखें कि आप वोट करके आए थे, हाँ, तो चलो अब तुम्हारा हम ऑडिट पेयर बना के रिलेशन में प्रेजेंट कर देते हैं. एम आई क्लियर? अगेन मैंने दोबारा चीजें आपको समझा दी हैं सारी बातें. तो यहां पर इसने आपसे पूछा क्या है, द अबो डिफाइंड रिलेशन आर इज, जो भी रिलेशन हमारे पास डिफाइंड था, आर का मतलब था वी वन कोमा वी टू. और यहां पर ये V1 और V2 जो भी थे ना, ये वोट करके आए थे, ठीक है. लेकिन जो R डिफाइंड था सेट I के ऊपर, सेट I में वो सभी लोग हैं जो वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है वोटिंग कर सकते हैं लेकिन वोटिंग करने नहीं गए, यानी वोटिंग राइट तो है बट वोट करने नहीं गए. तो मतलब सेट I में मान के चलिए एक भाई साहब है जिनका नाम है रमेश, इनको वोटिंग राइट है. ऐसे और भी लोग होंगे सिटीजंस ऑफ इंडिया जिनको वोटिंग राइट है, हमने सेट आई में ऐसे लोग रख दिए, सभी लोग जिनको वोटिंग राइट है. लेकिन एक रमेश भाई साहब है जिन्होंने वोटिंग नहीं किया, तो क्या हम रमेश कोमा रमेश ऐसा कुछ ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में रख सकते हैं? रिलेशन में क्या हम ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर रख सकते हैं कि रमेश कोमा रमेश, जबकि रमेश इज प्रेजेंट इन सेट आई? Is it possible? Yes or no? क्या हम R के अंदर रमेश कुमार रमेश रख सकते हैं अगर इसने वोट नहीं किया? Did not vote? Yes or no? रख सकते हैं क्या? No sir. No sir. रमेश कुमार रमेश रिलेशन में प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव बन सकता है किसी भी लॉजिक से? No sir. No. तो यहां पर ऑप्शन ए में यही लिखा हुआ है, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा बट नॉट रिफ्लेक्सिव. यही ठीक है. इक्विवेलेंस ना होने का रीजन यही है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता. आर यू गेटिंग?
सिमिलरली यूनिवर्सल रिलेशन भी हम नहीं कह सकते. क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यूनिवर्सल रिलेशन में आर हैज टू बी इक्वल टू आई क्रॉस आई. बात समझ आ रही है? लेकिन आर का मतलब क्या था, डेफिनेशन याद कर लो, उसके हिसाब से अगेन ऐसी ही प्रॉब्लम आएगी जो मैंने रमेश के लिए बताया. अकॉर्डिंगली कैन वी टॉक अबाउट ऑप्शन डी, किस तरीके से डिस्कस करें, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. देखो अगर मैं ये कहूं कि भाई मान लो एक्स एंड वाई ये दोनों वोट करके आए हैं, तभी तो रिलेशन में ये ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होगा. सो एट द सेम टाइम वी कैन से कि ये भी आपके रिलेशन में प्रेजेंट होगा, मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो पक्का, सॉरी ये सिमेट्रिक तो पक्का होगा. नो? यस सर. यस सर. मतलब नॉट सिमेट्रिक यहां पर जो इसने बोला है ये भी रूल आउट हो गया, इस वजह से ऑप्शन ए ही सही रहा. तो जैसे कि मैंने बताया कि सीबीएसई के आंसर की में अगर हम देखेंगे तो उन्होंने ऑप्शन सी को मार्क किया हुआ है. आई होप आई वॉज क्लियर इन एक्सप्लेनिंग कि ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है. दैट्स वाई ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. एंड सिमेट्रिक क्यों है, अकॉर्डिंगली ट्रांजिटिव क्यों है, ट्रांजिटिव वाला भी समझाऊं या इज इट क्लियर टू ऑल? फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं कहूं कि एक्स कोमा वाई एंड वाई कोमा जेड दे बिलोंग टू रिलेशन आर, दैट मीन्स एक्स एंड वाई दोनों ने वोट किया, वाई एंड जेड दोनों ने वोट किया. इसका मतलब एक्स कोमा जेड भी रिलेशन में होगा क्योंकि एक्स और जेड ने भी तो वोट किया, एंड दैट मीन्स रिलेशन आर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा. यस और नो? यस सर. यस. तो सिमेट्रिक कैसे होगा बता दिया मैंने, ट्रांजिटिव कैसे होगा बता दिया मैंने, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा, रमेश को याद रखना. ठीक है, रमेश वोट करने नहीं जाता. ओके, डोंट बी अ रमेश इन फ्यूचर व्हेन यू हैव अ वोटिंग राइट. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. यस सर. यस सर. ओके, सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2. इस पेज पे जो भी इंफॉर्मेशन है ये सिर्फ स्टोरी टेलिंग के लिए आप पढ़ सकते हैं, ये केस बताने के लिए कि ऐसा एक सिचुएशन है हमारे पास. टू प्रमोट द मेकिंग ऑफ टॉयलेट्स फॉर लेडीज, दिस सिनेरियो आई हैव टेकन फ्रॉम अ क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन सीबीएसई एग्जाम इन पास्ट ईयर. लेकिन किसी भी सिनेरियो के ऊपर केस स्टडी बनाना नो दैट इज एन आर्ट. तो यहाँ पर जो पूरा सिनेरियो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, मैं इसको तो क्या एक्सप्लेन करूं कि यहाँ पर टू प्रमोट द मेकिंग ऑफ टॉयलेट्स फॉर लेडीज इन विलेजेस एन एनजीओ हायर्ड एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी फॉर जनरेटिंग अवेयरनेस फॉर द कॉज थ्रू हाउस कॉल्स लेटर्स एंड अनाउंसमेंट थ्रू स्पीकर्स. एनजीओ ने अपने एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर किया और लेटर्स के थ्रू अवेयरनेस फैलाने की बात हो रही है या फिर स्पीकर से अनाउंसमेंट करवाना. जैसे आपने देखा होगा ना कई बार पॉलिटिकल पार्टीज भी तो करती हैं, वो स्पीकर से अनाउंसमेंट होता है, गाड़ी वगैरह में घुमाते रहते हैं या रिक्शे वगैरह में बिठा देते हैं किसी आदमी को. ऐसी हाउस कॉल यानी घर घर विजिट करके भी लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करने की बात हो रही है. अगर एक विजिट या एक कम्युनिकेशन होगा हाउस कॉल, हाउस कॉल में विजिट करना पड़ेगा, लेटर कम्युनिकेशन का मोड हो गया और अनाउंसमेंट भी कम्युनिकेशन का मोड हो गया. हालांकि हाउस कॉल यानी घर घर जाके बोलना उसमें भी कम्युनिकेशन ही हुआ, तो कॉस्ट पर विजिट कह सकते हो या कॉस्ट पर कम्युनिकेशन कह सकते हो. हाउस कॉल के लिए 10 रुपीज, लेटर्स के लिए इतना एंड अनाउंसमेंट थ्रू स्पीकर के लिए 15 रुपीज. अच्छा, द नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट मेड वर एज फॉलोज इन द 3 villages. अब तीनों ही विलेज यहां पर हैं, एक्स वाई जेड विलेज, इनमें हाउस कॉल्स यानी हाउस विजिटेड, कितने लोगों का घर विजिट किया गया, तो 200 का. विलेज वाई में दिस मच, विलेज जेड में दिस मच. लेटर्स विलेज एक्स, विलेज वाई एंड विलेज जेड के लिए इतने लेटर्स अकॉर्डिंगली यहां पर एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने इश्यू किया. फिर अनाउंसमेंट्स कैसे हुआ, विलेज एक्स में या वाई में कितनी बार अनाउंसमेंट किया गया, विलेज जेड में कितनी बार स्पीकर के थ्रू अनाउंसमेंट किया गया. अब यहां पर इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमें कुछ क्वेश्चंस आंसर करने हैं. फर्स्ट पार्ट हम जरा पढ़ते हैं. कॉस्ट इन रुपीज इनकर्ड बाय द एनजीओ फॉर द विलेज एक्स, विलेज एक्स के लिए कॉस्ट क्या होगा. ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट आएगा, वहां विलेज वाई का पूछेगा, क्वेश्चन मैंने ही बनाया है तो मुझे पता है. थर्ड पार्ट में विलेज जेड का पूछेगा. तो एक काम करते हैं, यहां पर बिना मैट्रिक्स के इसको सॉल्व कर लेते हैं. क्यों, कैन यू सजेस्ट मी व्हाई शुड वी सॉल्व इट विदाउट इवन यूजिंग मैट्रिक्स. हालांकि मैं मैट्रिक्स से सॉल्व कराऊंगा बट मैं आपके एंड से बोल रहा हूं, ये ऑब्जेक्टिव है. यस, किसी बच्चे ने बोला ये ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है. ओनली आपको बबल्स फिल करने होंगे ना ओएमआर शीट में, ऑप्शन ए ऑप्शन बी जो भी करेक्ट होगा. तो यहाँ पर बिना सॉल्व करे या तुक्का मार के, है ना, ये तो अवॉइड करना, लेकिन जिसको तुक्का मारना है तुक्का मारिए, या फिर यहाँ पर यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर लो. जैसे कि अगर मैं कहूँ कि विलेज एक्स के लिए कितना कॉस्ट पड़ेगा, तो हाउस विजिटेड
200 और एक हाउस कॉल के लिए यानी हाउस विजिट के लिए 10 रुपीज लगेगा. तो 200 इंटू 10 प्लस 400 इंटू 5 लेटर के लिए प्लस 200 इंटू 15 अनाउंसमेंट थ्रू स्पीकर्स के लिए. विलेज एक्स का टोटल यहां पर जो भी कॉस्ट होगा वो निकल चुका है. एम आई करेक्ट? यस यस सर. चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, किसी ने हमको रोका नहीं है, लेकिन फिलहाल मैंने आपको रोका है, मैं मैट्रिक्स से करूंगा. तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर एक विलेज एक्स, विलेज वाई, विलेज जेड, मैं यहां पर रो वाइज एंट्री करने वाला हूं. यहां आपका हाउस विजिटेड हो जाएगा, यहां पर लेटर्स हो जाएगा, यहां पर अनाउंसमेंट थ्रू स्पीकर, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने. यहां पर आपका कॉस्ट हो गया, ठीक है. तो यहां पर हाउस कॉल या हाउस विजिटेड के लिए इतना कॉस्ट है, लेटर्स के लिए, और ये अनाउंसमेंट थ्रू स्पीकर, ठीक है. अब यहां पर हम 200 persons are 200 house visited in village X, ऐसे ही village Y में 350 and village Z में 225. फिर यहाँ पर ये 400, 600, 375. आप calculator exam में use नहीं कर सकते, अभी use कर सकते हो मेरी help करने के लिए, ठीक है. चलिए इसको multiply करते हैं, matrices को multiply करना आपको आता ही होगा. हाँ जी बच्चों बताओ, फटाफट बताओ यहाँ पर क्या आता जाएगा. यार आ गया? Yes sir. Yes sir. ठीक है, यस सर. अब याद रखना इन चीजों को, एक्स विलेज का कॉस्ट इतना होगा, 7000 रुपीस पड़ेगा उनको, वाई विलेज के लिए 11000 और जेड विलेज के लिए 6375. चलते हैं जरा सेकंड पार्ट में. फर्स्ट पार्ट का आंसर हो चुका है पहले ही, है ना, ऑप्शन है, करेक्ट? यस सर. यस यस. ये रहा सेकंड पार्ट, तो हम लोगों ने तो सॉल्व कर ही लिया. ये रहा 11000 विलेज वाई का कॉस्ट पूछा है, विलेज जेड का थर्ड क्वेश्चन में है, तो ये था आपका ये वाला, देखना 6375 यही था ना, 6375 था या 6357 था, 6357 था या 6375, ऑप्शन सी हो, ठीक है, करेक्ट करेक्ट. अब चलते हैं फोर्थ पार्ट में. यहाँ बोल रहा है कि टोटल कॉस्ट इन रुपीज इनकर्ड बाय द एनजीओ फॉर द विलेज एक्स वाई एंड जेड, टोटल कॉस्ट. चलो ऐड करना शुरू करते हैं. विलेज एक्स का कॉस्ट ये था, विलेज वाई का कॉस्ट ये था, एंड 63 क्या था, 75 या 57? अगेन कंफ्यूजिंग यू, दिस विल बी 25. एक बार चेक करना, यही है? यस यस. सो दैट मींस व्हिच ऑप्शन? बी. मैंने यहाँ पर ऑप्शंस कंफ्यूजिंग दिए हैं ताकि नजरों का धोखा हो जाए और बच्चे गलती करते हैं. एनीवे फिफ्थ पार्ट, इट डज नॉट मीन कि आई एम नॉट स्टूडेंट फ्रेंडली, बट इट मीन्स कि आपको ट्रेनिंग ऐसे करनी है. क्वेश्चन में हमेशा वो देखना चाहिए जो लिखा हुआ है. कई बार हम क्वेश्चन में वो देखते हैं जो हमें लगता है कि वहां लिखा हुआ है. दोनों बातें बहुत फाइन डिफरेंस है. हमें वो देखना चाहिए जो लिखा हुआ है, लेकिन कई बार बाय मिस्टेक या हम जल्दी में है ना, तो हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन वैसा दिखता है जैसा हम सोच रहे होते हैं, जैसा हमने शायद प्रैक्टिस किया होता है, तो हमें क्वेश्चन ऐसा दिखता है, लेकिन हमें ऐसा दिखना नहीं चाहिए, जल्दबाजी में काम खराब हो जाता है. फिफ्थ पार्ट, ये थोड़ा सा काम करना पड़ेगा. व्हेन इंडिया पोस्ट रियलाइज्ड अबाउट दिस नोबल कॉज ऑफ एनजीओ, जाहिर सी बात है एनजीओ अच्छा काम कर रही है, टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट टॉयलेट मेकिंग फॉर वुमेन इन विलेजेस, दे डिसाइडेड टू रिड्यूस द कॉस्ट पर लेटर. देखो आपको याद होगा एक लेटर के लिए कॉस्ट था 5 रुपीज, तो इंडिया पोस्ट ने बोला कि अब हम 1 रुपए लेंगे जी, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो अब जो कॉस्ट होगा, देन द कॉस्ट इनकर्ड फॉर द एनजीओ फॉर ड्रॉपिंग लेटर्स इन ऑल 3 villages विल बी. अब तीनों ही विलेज में जब लेटर से कम्युनिकेशन होगा तो एक लेटर पे 1 रुपीज आएगा कॉस्ट. बात समझ आ रही है? यस yes, तो हम सिर्फ ये पता कर लेंगे कि टोटल कितने लेटर्स ड्रॉप करने होंगे, ठीक है. तो चलते हैं जरा बैक साइड, यहां पर टोटल कितने लेटर्स ड्रॉप करने हैं बेटा, ये काउंट कर लो, कितना हुआ, ऐड कर लो सबको टोटल. 1375. तो मूविंग अहेड, आगे चलते हैं जरा, और इतने टोटल लेटर्स, आई होप आप लोगों ने सही काउंट किया हो, तो इतने लेटर्स, ठीक है. तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, इसको 1 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दो. एम आई क्लियर? यस सर. यस. Which option is correct? A option. A. Option first is correct. ठीक है? तो अभी तो हमने आसान आसान काम किए. इनफैक्ट ये सबसे easiest question था. जो पहला question relation and function. Actually वो chapter ही ऐसा है कि उससे relation बन ही नहीं पाता है ज्यादातर बच्चों का. Relation ही नहीं बनता. तो पहला question थोड़ा सा अच्छा question था. Fifth part में क्या confusion है मैंने आपको elaborate भी किया. अब आता है usual question जो कि हम expect कर रहे हैं, but ऐसा कोई written CBSE ने नहीं बोला है
कि मैक्सिमा मिनिमा में से ही हम केस स्टडी देने वाले हैं. दैट्स वाई मैंने दो क्वेश्चन आपके लिए और दिखाए. एलपीपी में से भी मैं आपको क्वेश्चन शो करूंगा, लेकिन आज के सेशन में नहीं, इन फ्यूचर. या फिर आप मेरे से इन टच हो सकते हैं, या फिर मैम को मैं शेयर कर दूंगा, वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर देंगी. यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्यारा सा, आप लोगों ने कई बार सॉल्व किया होगा. नॉर्मल ट्रेडिशनल क्वेश्चन है ना. कॉर्नर से रेक्टेंगुलर शीट है या स्क्वायर शीट है, उसको कॉर्नर से कट करना है, स्क्वायर वहां से कट करना है, उसको फोल्ड करना है, फ्लैप्स को फोल्ड करके बॉक्स बनाना है. उसका वॉल्यूम या कुछ भी आपसे मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए बोलता है, मैक्सिमम करने के लिए बोलता है. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं. अ फैक्ट्री मेक्स एन ओपन कार्डबोर्ड बॉक्स फॉर अ ज्वेलरी शॉप फ्रॉम अ स्क्वायर शीट ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर. मतलब यहाँ पर रेक्टेंगुलर शीट भी हो सकती है जिसके कॉर्नर से स्क्वायर पीसेस कट करने होते हैं, लेकिन अभी हमारे क्वेश्चन में ये पूरा एक स्क्वायर शीट है. देखो ये यहां से लेकर यहां तक ये 18 सेंटीमीटर है, मतलब ये भी 18, और क्योंकि ये स्क्वायर शीट है तो ये वाला भी 18 होगा. क्लियर है? यहां से हर कॉर्नर में से आपको इसने पीसेस कट करने के लिए बोला, जिसका इसने यहां पर लेंथ दिया हुआ है एक्स, तो ये भी एक्स हो जाएगा, यहां पर भी एक्स बनेगा, यहां भी एक्स ही बनेगा, अकॉर्डिंगली बाकी कॉर्नर पे भी बनेगा. तो अगर मैं आपसे कहूं जो फ्लैप्स बनेंगे जिनको फोल्ड करके मुझे बॉक्स बनाना है, तो उस बॉक्स का लेंथ बनेगा 18 - 2x. एम आई क्लियर? यस सर. सिमिलरली ये 18 - 2x, तो ये विड्थ बन जाएगा आपके बॉक्स का, और हाइट बन जाएगा जो यहां पर स्क्वायर पीस आपने कट किया x सेंटीमीटर का. तो एज सच अगर मैं यहां पर देखूं, इसने लिखा भी हुआ है एज्यूम दैट x इज साइड लेंथ ऑफ ईच स्क्वायर कट फ्रॉम द कॉर्नर्स. ये बताने की जरूरत नहीं थी क्योंकि डायग्राम में इंफॉर्मेशन दिख रही है, बट इन्होंने बता दिया, अच्छा किया, एहसान किया. बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो फर्स्ट पार्ट में वॉल्यूम ऑफ द ओपन बॉक्स. एक बात सुनना ध्यान से बच्चों, पिछले साल अगर बच्चों का एग्जाम हो चुका होता तो हमारी बात पिछले साल के बच्चों के काम आ जाती, जो आपके सीनियर्स हैं. अच्छा, तो क्या था कि हम बोलते थे कि भैया पहले ना अगर मैक्सिमा मिनिमा का आता है तो पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, वहां से आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दिख रही है उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो. लेकिन आज की सिनेरियो में, यानी आप लोगों के लिए, ये एडवाइस मैं नहीं दूंगा. कारण है कि सेक्शन सी में टोटल 10 में से हमें 8 क्वेश्चन करने हैं. इफ यू आर कंफर्टेबल इन सॉल्विंग ऑल 5 MCQ, तो फिर आप 3 केस स्टडी सॉल्व करेंगे. 5 + 3 = 8 क्वेश्चन हो जाएगा, डन. हमें यही तो करना है. तो यहाँ पर आपको हर पार्ट को केस स्टडी में 1 by 1 एनालाइज करना है. क्योंकि नॉर्मली मैंने क्या देखा है केस स्टडी के क्वेश्चंस में, अगर मैक्सिमा मिनिमा की मैं बात करूं, या तो थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट में सबसे ज्यादा काम करना होता है, जहां आपको फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव भी कई बार करना पड़ जाता है. आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा अगर आपने सही से प्रैक्टिस की है तो. एम आई राइट? आप में से कोई बच्चा तो बताओ, ऐसा होता है ना सेकंड डेरिवेटिव वाला काम कई बार हमें थर्ड या फोर्थ पार्ट में करना पड़ता है. तो अभी अगर मान लीजिए फोर्थ पार्ट, यस थैंक यू, अब मान लीजिए अगर फोर्थ पार्ट में सेकंड डेरिवेटिव या फर्स्ट डेरिवेटिव जो भी करना है, तो मैं नहीं करूंगा ना, मैं टोटल 5 MCQ सॉल्व कर लूंगा एंड 3 केस स्टडी सॉल्व कर लूंगा, हो गया मेरा 8 क्वेश्चन का काम खत्म. सो बी वेरी क्लेवर इन डिसाइडिंग कि हमें क्या करना है आपके टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए. और उसके लिए आपको मतलब गुड नंबर ऑफ सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस भी करनी है, है ना. मतलब कम से कम 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना सैंपल पेपर कर लो उतना अच्छा. अब तो एमसीक्यू है, बस तुक्का मत मारने लगना प्रैक्टिस करने में भी. यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ है, मैंने यहाँ पर रेक्टेंगुलर बॉक्स के डायमेंशन के बारे में आपसे बात की कि ये आपका लेंथ बनेगा, ये आपका विड्थ बनेगा, और यहाँ पर आपका ये हाइट यानी एच मैंने एक्स के इक्वल बताया जो कि स्क्वायर आपने कट किया. तो वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर क्यूबॉइडल शेप में बन जाएगा इनफैक्ट, तो उसका वॉल्यूम होता है एल बी एच. तो L मतलब 18 - 2x, B मतलब सेम यानी होल स्क्वायर, और H मतलब x. अब ऐसा मुझे यहां पर कहीं पर तो नहीं दिख रहा, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई हैव टू सिंपलीफाई दिस. तो सिंपलीफाई करने के लिए इस ब्रैकेट में से अगर मैं 2 कॉमन हूं तो स्क्वायर की वजह से वो 4 बन जाएगा. अंदर 9 - x का होल स्क्वायर, बाहर x पहले से ही प्रेजेंट है. वी कैन राइट इट 4x, और 9 - x का होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, सो दैट विल बी 81. 81 - 18x + x² चेक करना बच्चों, ठीक है? Yes. Yes, sir. They are asking you to write the volume of the open box. तो ये रहा volume of the open box. Option A is correct. ठीक है? Am I clear? Yes, yes. Now please keep this in mind. Maybe बाद में अगर मुझे derivative करना पड़े, मैं तो अभी सारे question solve करा रहा हूँ तो मुझे derivative करना ही पड़ेगा. आप तो exam में चालाकी कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता. Second part में देखते हैं. देखो अब ये question देखो जरा. कौन सा स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़कर आएगा? कोई भी नहीं मेरे ख्याल में. तो
द कंडीशन फ्रॉम द वॉल्यूम वी टू बी मैक्सिमम, अगर वॉल्यूम को इन्होंने वी से रिप्रेजेंट कर दिया तो अगर वी मैक्सिमम होना होगा तो कौन सा कंडीशन यहां पर ट्रू होगा? आपको पता है कि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव फॉर द वॉल्यूम? मैक्सिमम होना चाहिए ना, वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए तो डबल डेरिवेटिव को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो देखो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव कहां पर है, यहां पर एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, तो बाकियों को मैं एनालाइज भी नहीं करूंगा। इनफैक्ट ऑप्शन ए में फर्स्ट डेरिवेटिव की बात भी की गई है, बट जैसा कि मैंने कहा कि सेकंड डेरिवेटिव ही मेरी हेल्प कर रहा है तो बाकियों के पास मैं क्या करने जाऊं? होता क्या है कि डबल डेरिवेटिव कहां पर लेस देन जीरो होता है, तो डबल डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट पे लेस देन जीरो होता है। और क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रख के, ऐसे ही होता है ना बच्चों? एम आई क्लियर? आप क्या करते हैं कि जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखा, यहां से सॉल्यूशन करके आपने एक्स की वैल्यू निकाली, मान लो एक्स की वैल्यू सी आ गई, क्रिटिकल पॉइंट कुछ भी आ गया ना, कोई नंबर आ गया, फिर आपने डबल डेरिवेटिव किया, उसमें आपको ये पॉइंट डालना होता है। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं या फिर रफली आप माइंड में इन चीजों को कर सकते हैं ताकि आप श्योर रहें कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है, क्योंकि ये पेपर एमसीक्यू टाइप का है, स्टेप्स विल नॉट मैटर एट ऑल। तो ये आपका लेस देन जीरो अगर आ जाता है तो आप बोल देते हैं कि वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू सी। अब मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो रखकर ही तो हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, जो कि मैंने यहां पर सी बोला क्रिटिकल पॉइंट, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन में जो भी बातें हैं बिल्कुल सही हैं, हालांकि मैंने तो इसको देखकर ही डिसाइड कर लिया था, ये जो आपका नेगेटिव दिख रहा है डबल डेरिवेटिव, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट भी हुआ, कोई इसको छोड़कर आएगा इस क्वेश्चन को? सेकंड पार्ट तो सबसे पहले करेंगे, बिना क्वेश्चन पढ़े हुए भी हम इसको कर लेंगे। मतलब ऊपर जो इतनी सारी कहानी लिखी हुई थी, लेंथ विड्थ कैसे निकालना है वो सब छोड़ो, सेकंड पार्ट डायरेक्टली आंसर। नहीं मतलब फाइव में से एक नंबर तो वैसे ही मिल गया ना, फाइव केस स्टडी में से। चलिए थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। तो यहां पर क्या है, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट। अब देखो यहां पर जो साइड ऑफ स्क्वायर जो आपने कट किया है ना, उसकी वैल्यू पूछी है, यानी एक्स की वैल्यू पूछी है ताकि वॉल्यूम मैक्सिमम हो। अब यहां पर हमें काम करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम को लेकर आते हैं, जरा मैं एक बार आपको दिखा देता हूं वॉल्यूम क्या था। एक काम करता हूँ, यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा, इसको डेरिवेटिव करने में आसानी रहेगी। फोर बाहर ही रखो, x को अंदर भेज दो, तो इट विल बी x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 81x। क्लियर है बच्चों? यस यस यस। थोड़ा याद रखना, याद रखना वरना गलती हो जाएगी। x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस क्या था, याद है किसी को? स्क्रीनशॉट ले लिया हो? 81। यही था ना, यही था ना? यस। एनीवे बादाम नहीं खाना है, ठोकरे खानी है। लाइफ में ठोकर खाओगे तो आगे जरूर बढ़ोगे। डीवी अपॉन डीएक्स कर लेते हैं, डबल डेरिवेटिव मैं निकालूंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं निकालूंगा डबल डेरिवेटिव? मतलब मैं आपकी जगह एग्जाम हॉल में बैठा हूं तो बोलो, इस क्वेश्चन में क्या मैं डबल डेरिवेटिव निकालूंगा? नो सर, मैं तो नहीं निकालने वाला, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर ऑब्वियस चीजें होने वाली हैं। ऑब्वियस चीजें मतलब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव ही आने वाला है। हाँ, अभी मैं आपको समझाते हुए निकाल के दिखा दूंगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन चलो, यहां से मैंने 3 कॉमन ले लिया है बच्चों, सो दिस विल बी, एक बार चेक करना फैक्टर वगैरह, आप मेरी अगर हेल्प करना चाहो तो कर सकते हो, फैक्टर क्या बनेंगे भाई? हाँ, मैंने 3 कॉमन लिया बातों बातों में इसको मैंने, तो यहाँ पर x माइनस 3 और ये x माइनस 9, ठीक है ना? Yes. अब ठीक है फैक्टर, तो यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव को तो हम जीरो रख ही देंगे, इनफैक्ट डबल डेरिवेटिव निकाल के यहाँ रख लेते हैं। मेंटली हम थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए या हमारी अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमने अभी तक कुछ भी गलत नहीं किया है। 2x माइनस 12 आ जाएगा, यहां से हम x की वैल्यू जब फाइंड कर रहे होंगे तो x की वैल्यू 3 आ रही होगी, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के, एंड 9, x की वैल्यू 9 अगर हम ले लेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, हम स्क्वायर को देखते हैं फिर से। अगर x 9 हो जाएगा तो बेसिकली तुमने यहां से देखो, यहां से भी 9 कट कर दिया, ये भी 9 कट कर दिया, और यहां से भी 9 कट कर दिया, और ये तो आपने घनघोर पाप कर दिया, राइट? यस, मतलब तुम्हारे पास वो स्क्वायर शीट, तुम्हारे पास वो स्क्वायर शीट ही नहीं बचेगा। तो इसका मतलब x equal to 9 cannot be taken, so x equal to 3 is the only possibility, तो x equal to 3, यानी यहां पर देख सकते हैं option C is correct, ठीक है बच्चों? अब x की ये जो value है ना, इसको double derivative में एक बार cross check करके देख लो, mentally calculation कर लो, आपको पता चल जाएगा। Be fast, 2 into 3 यानी 6 minus 12 negative का आएगा, negative into बाहर एक 12 यानी positive, वो नेगेटिव ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक्चुअली कैलकुलेशन नहीं किया, रफली आइडिया लिया कि वो नेगेटिव आ रहा है डबल डेरिवेटिव एट क्रिटिकल पॉइंट, यस और नो, टेल मी। यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा, फोर्थ पार्ट में क्या है। तो फोर्थ पार्ट में लेट्स मूव ऑन द फोर्थ पार्ट।
फोर्थ पार्ट, अब मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द ओपन बॉक्स भी पूछा है। देखिए वॉल्यूम हमने लिखा था 4x, अगर आपको ध्यान हो x स्क्वायर माइनस क्या था भाई 18x प्लस 81 था, राइट। अब x की वैल्यू 3 आ चुकी है, हम यहां पर 3 पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ये 12 बनेगा, 3 का स्क्वायर यानी 9, 18 3 जा 54 प्लस 81, ये बनेगा 12 इंटू 81 प्लस 9 यानी 90 माइनस 54 क्या होगा 36 होगा क्या, so 144 into 3 so that is 2 3 4 32, चेक करना बच्चों, ठीक है। वॉल्यूम है तो क्यूबिक सेंटीमीटर में आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, करेक्ट। फिफ्थ पार्ट सेज द टोटल एरिया ऑफ द रिमूव्ड स्क्वायर्स। देखो आपने 4 स्क्वायर्स रिमूव किए थे, every square will have area of x square, क्योंकि side length x था, तो 4x square will be the total area, so 4 into 3 square, yani 9 into 4, that is 36 centimeter square, option C check कर, clear है सबको? Yes, sir. तो ये तो आपके मतलब different case studies मैंने आपको show किए, ठीक है, जैसे कि मैं आपको advise कर रहा था कि आपको sample paper की भी अच्छी practice करनी है, इससे आप लोग टाइम मैनेजमेंट करना सीख पाएंगे और आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो भी आपके लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर सैंपल पेपर मार्केट में बुक अवेलेबल है उनको आप ले सकते हैं, मेरे से भी ले सकते हैं जो बुक मैंने लिखी है। यहाँ पर एक आउट ऑफ द बॉक्स एडवाइस, क्या होता है ना कि एमसीक्यू को सॉल्व करने का टेम्परामेंट डिफरेंट होता है एक नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करने से। जैसे ये क्वेश्चन है, ये मेरी मैथ मिशन बुक आप में से कुछ बच्चों के पास शायद होगी, इसमें भी है, ये रिवीजन टेस्ट 1 में है ये क्वेश्चन 9 ही है, और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, हालांकि आने वाले टाइम में इसका सॉल्यूशन मैं यूट्यूब पे भी डिस्कस करूंगा अपने चैनल पे, लेकिन फिलहाल आप लोगों को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलने वाला है, मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ये जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि वैल्यू ऑफ एक्स इज, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, फॉर विच द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विल बी 0, है ना। तो आप क्या कर रहे होंगे एक्चुअली में, कोई बताएगा मुझे मैकेनिज्म, क्या आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसमें? Okay, now, yes. let me make it clear to you. किसी ने बोला log, किसी ने बोला yes. और कुछ बोलना है? आप सही बोल रहे हैं? किसी और कुछ और ऐड करना है तो बताओ? नहीं सर। देखो, अगर आपको याद हो, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो ऐसे लिखा जाता है और यहाँ बेस हमेशा पॉजिटिव होता है, एग्री? यस। तो अगर मैं अपने क्वेश्चन को कंपेयर करूं तो यहां पर x की पावर x है, बेस में जो x है, हालांकि वही पावर में भी x है लेकिन मैं बेस की बात कर रहा हूं, बेस में जो x है वो कभी 0 नहीं हो सकता, तो फिर ऑप्शन सी तो गया, कौन बनेगा करोड़पति देखने की भी जरूरत नहीं है, वहां से भी सीखने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर आप 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर चुके होंगे, लॉजिकल थिंकिंग रखो, बस डायरेक्टली आपको आंसर मिलेगा बिना सॉल्व करे हुए। हमारे पास सिंगल करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब हमारे सीबीएसई की अगर मैं बात करूं तो फिर ऑप्शन ए को देखो और ऑप्शन बी को देखो, दोनों ऑप्शन सेम है, चेक करो फटाफट। yes, तो रह गया ऑप्शन डी, लो जी मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने बस दिमाग लगाया और मेरे पास आंसर है। अगर मुझे सॉल्व करने का मन करे, आई हैव गिवन यू द डाटा टू सॉल्व इट सो दैट यू कैन सॉल्व एंड वेस्ट योर टाइम, अदरवाइज आई हैव गिवन यू द क्वेश्चन इन सच ए मैनर दैट यू यूज योर कॉन्सेप्ट्स एंड माइंड प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड आपको आंसर डायरेक्टली ही मिल रहा होगा। क्लियर है सबको? ओके, एक छोटा सा मैसेज आप सभी लोगों के लिए, सेशन लगभग एंड होने वाला है, मैं यहाँ कुछ बोलना तो नहीं चाहता हूँ, आप रीडिंग कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इमोशंस होते हैं, उनको हम बोलकर तो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कई बार लिखना ज्यादा सुटेबल होता है, एंड एट द एंड आई नो एवरीवन इज ए चैंपियन इन देयर लाइफ, हम नहीं जानते किसका स्ट्रगल क्या है, तो सभी लोग चैंपियन ही होते हैं। हम कई बार डिसाइड करने लगते हैं, कंपैरिजन करने लगते हैं, किसी और को हम खुद कंपेयर करते हैं, लेकिन कई बार हम खुद को भी किसी और से कंपेयर करते हैं, दोनों चीजें सही नहीं है। सो आई नो यू आर अ चैंपियन। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरी है आप मेरे से भी पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर मेल पे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे आप मेरे विजिट करते रहा करें। सो डूइंग एवरीथिंग फॉर मैथ, दैट इज माई ओनली मिशन, दीज आर सम बुक्स रिटन बाय मी। अभी टर्म फर्स्ट के लिए तो मैथ मिशन एमसीक्यू वाली बुक और 13 सैम्पल क्वेश्चन पेपर वाली बुक, जो कि मैं हर बच्चे को रिकमेंड करूंगा कि आपको लेना चाहिए। एंड विद दैट, थैंक यू फॉर दिस इंटरेक्टिव सेशन। थैंक यू।
Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.